हेलो एवरीवन, सो इस वीडियो में हम समझते हैं कि स्लो चेंजिंग डायमेंशन क्या होती है। ये बेसिकली डेटा वेयरहाउस का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि इसमें वो डायमेंशन जिनके एट्रीब्यूट में वक्त के साथ साथ कोई वैल्यू चेंज हो रही हो ओवर द टाइम, तो उसको कैसे मैनेज किया जाता है। अच्छा, स्लो चेंजिंग डायमेंशन जिसको SCD भी कहते हैं, इसकी तीन टाइप्स हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। हम इसको बारी बारी डिटेल में देखते हैं। टाइप वन क्या होती है, इसमें मैं यूज़ करूँगा एग्जांपल एक स्टोर की, कि एक स्टोर है और एक बिल्डिंग है। अब बिल्डिंग जो है वो यूजली स्टोर जो है उसकी बिल्डिंग, फॉर एग्जांपल वो नाजमाबाद में है या कराची के किसी एरिया में है, तो वो वक्त के साथ साथ जो है वो बहुत कम ही चेंज होती है, यानी रैपिड चेंजेस डायमेंशन नहीं है, वक्त के साथ चेंज होती है। अगर इस तरह के चेंजेस आए तो क्या करना चाहिए। तो एग्जांपल की तरफ बढ़ने से पहले जो है वो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, तीन तरह की टाइप्स हैं, ये आपको समझना ज़रूरी है। अब हम जो है वो देखते हैं कि टाइप 1 में बेसिकली क्या होता है। टाइप 1 में हम क्या करते हैं, ओवरराइड द वैल्यू। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक स्टोर है, ID है 1001 और उसका बिल्डिंग नंबर है 501। ठीक हो गया। तो अब इस बिल्डिंग को अगर हम कहते हैं कि ये बिल्डिंग 560 से स्विच हो रही है, तो क्या करेंगे, सिंपल इस रिकॉर्ड को ओवरराइड कर देंगे, यानी इस एट्रीब्यूट को, बिल्डिंग नंबर को ओवरराइड कर देंगे। ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है जो कि स्लो चेंजिंग डायमेंशन की है, इसे टाइप 1 भी कहते हैं। ठीक है, ये इजी टू इम्प्लीमेंट है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसमें हिस्ट्री मेंटेन नहीं होती, और वेयरहाउस में हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वेयरहाउस में अगर हिस्टोरिकल डेटा हम मेंटेन नहीं कर पा रहे तो जो है ना वो प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगेन, तो इसलिए टाइप 1 बेसिकली सिंपल ओवरराइड द वैल्यू है, लेकिन यूजली इसको हम जो है वो कम ही यूज़ करते हैं अपने जो है नॉर्मल सिनेरियो में, वेयरहाउस में। ठीक हो गया। जो सेकंड टाइप है वो टाइप 2, प्रिजर्व द हिस्ट्री। अच्छा, इसमें क्या होता है कि प्रिजर्व करते हैं हम हिस्ट्री को, जैसे बिल्डिंग 501 है तो एक नई बिल्डिंग ऐड हुई 560, उसी एग्जांपल को लेते हैं। इसमें क्या कहते हैं, जो सैरोगेट की है 1001, उसमें उसको एक और यूनिक नंबर से आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे कि इसमें 1002 कर दिया, एक नया रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया। ठीक, अब इसमें हुआ ये कि रिकॉर्ड तो हमने क्रिएट कर दिया, और जो कि ये अप्रोच सही भी है, लेकिन इसमें ये नहीं पता चल रहा कि करंट एक्टिव रिकॉर्ड कौन सा है, या करंट रिकॉर्ड इसमें जो यूज़ हो रहा है वो कौन सा है। तो इस तरह की चीज़ों के लिए, प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम या तो वर्जन्स कर सकते हैं, जैसे कि वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3, यानी एक इंक्रीमेंटल वर्जन हम मेंटेन कर लें, और जो भी मैक्सिमम वर्जन होता है उसको हमने पिक कर लिया और कहा कि ये करंट या लेटेस्ट वर्जन है, इसको यूज़ करना है हमने डेटा वेयरहाउस में या रिपोर्टिंग में। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरी अप्रोच ये है कि हम इफ़ेक्टिव डेट का कॉलम डाल दें और एक्सपायरी डेट का कॉलम डाल दें। ठीक है, इफ़ेक्टिव डेट से मेरी मुराद ये है कि यहाँ पे हमने ये किस दिन से ये इफ़ेक्टिव है और कब ये एक्सपायर होगा। नल का मतलब है कि ये करंट एक्टिव रिकॉर्ड है, यानी फॉर एग्जांपल ये रिकॉर्ड हमारा 1 जनवरी 2017 से इफ़ेक्टिव था, और ये फॉर एग्जांपल 1 अक्टूबर 2018 तक ये जो है यूज़ में रहा। फिर सेकंड रिकॉर्ड जब ऐड हुआ 560 वाला बिल्डिंग नंबर, तो हमने इफेक्टिव डेट चेंज कर दी उसकी, कहा कि ये अक्टूबर 1, 2018 से इफेक्टिव है और टिल इफेक्टिव है। तो इस तरह भी हम, ये सेकंड अप्रोच है टाइप 2 में, कि हम इस तरह भी मैनेज कर सकते हैं। एक और तरीका है वही कि वर्जन्स कर लें, कि ये नो या यस कर लें। यस का मतलब है एक्टिव है, करंटली ये यूज़ हो रहा है, और नो का मतलब है कि ये अब अनयूज है या इनएक्टिव हो चुका है। अच्छा, इसको कहाँ डिफ़िकल्टी होती है टाइप 2 को यूज़ करने में। टाइप 2 को जहाँ पे हम स्ट्रक्चर चेंज करते हैं वहाँ पे जो है वो इसको मैनेज करना मुश्किल होता है, क्योंकि डेटा बार बार अपडेट करना, इफेक्टिव डेट को अपडेट करना, ये समटाइम एक अगर ह्यूज डेटा सेट हो तो वहाँ पे ये डिफ़िकल्टी आ जाती है। लेकिन सबसे ज़्यादा यूज जो अप्रोच होती है स्लो चेंजिंग डायमेंशन में, वो टाइप 2 ही होती है। टाइप 3 में जो है प्रिजर्व पार्शियल हिस्ट्री, इसमें क्या करते हैं कि हम
पेयर बना लेते हैं, एक करंट वैल्यू और एक कॉलम और बना लिया प्रीवियस वैल्यू का, तो एक ही टेबल में दो कॉलम ऐड हो जाते हैं, करंट वैल्यू और जो है वो प्रीवियस वैल्यू। जैसे कि इस एग्जांपल को देखें तो 501 बिल्डिंग नंबर है। अगर हम इसमें ये करें कि ओरिजिनल बिल्डिंग नंबर को रिप्लेस कर दें, यानी इस जो बिल्डिंग नंबर है 501, इसमें अगर ओरिजिनल बिल्डिंग नंबर 501 डाल दें और करंट बिल्डिंग नंबर एक कॉलम और ऐड कर लिया 560, तो इस तरह जो है वो हम कर सकते हैं। अगर एक और रिकॉर्ड आ रहा है कि भाई 560 था, अब वो बिल्डिंग नंबर 600 हो गया है, तो हम इस तरह इसको ओवरराइड करते हैं। ठीक है, तो ये अप्रोचेस हैं उसमें पार्शियल प्रिजर्व पार्शियल हिस्ट्री में। लेकिन इसके कुछ एडवांटेज भी हैं, एनालाइज फैक्ट रिकॉर्ड बिफोर एंड आफ्टर द चेन हैपन, यानी हमें उसी देन एंड देयर एक ही जगह पता चल जाता है कि क्या हुआ। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल से तो एक बंदा है वो, या एक खातून है पाकिस्तान में, या यूजली हमारे कंट्री में होता है कि उनका जो है सरनेम चेंज हो जाता है। मिसाल के तौर पर उनका नाम था उज़्मा जिलानी, अब उनका नाम हो गया हस्बैंड का उज़्मा फैसल, तो इस तरह की चीज़ों के लिए काम आता है। ठीक है, तो स्लो चेंजिंग डायमेंशन, जैसा कि मैंने उसको रिपीट कर रहा हूँ, डायमेंशन फॉर विच एट्रीब्यूट चेंज स्लोली ओवर द टाइम। तो आई होप आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, समझ आया होगा। डू लेट मी आस्क इफ़ यू नीड एनीथिंग।